लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दुकान के सामने कचरा फेंकने वालों पर की नगर पालिका ने जुर्माना कार्रवाई। रमरमा माइंस में मजदूरों ने किया एक सप्ताह का काम बंद हड़ताल। भारत में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा हेतु लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला बालाघाट द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत देश में मुस्लिमों द्वारा लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, जिस कारण आए दिन हिंदू युवतियों व महिलाओं को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। दिल्ली में नाबालिग साक्षी के साथ लव जिहाद के अंतर्गत में जो कांड हुआ है, हत्या हुई, उसके खिलाफ़ हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मांग है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बने और जो साक्षी जिनकी निर्मम हत्या हुई है उनके परिवार को 50 लाख रुपए मिले और केंद्र द्वारा उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। नगरपालिका द्वारा बारिश को देखते हुए नगर के सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को नगरपालिका के अमले द्वारा नगर के भटेरा चौकी मार्ग में पहुंचकर दुकानदारों पर डस्टबिन न रखने व दुकान के सामने कचरा होने पर जुर्माना कार्रवाई की गई। इस दौरान नगरपालिका के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यामिनी डहरवार सहित अन्य मौजूद रहे। सीटू से संबंधित खनिज मजदूर एकता यूनियन द्वारा रमरमा माइंस में काम करने वाले मजदूरों ने माइंस प्रबंधन द्वारा नए ठेकेदार लाकर प्रबंधन द्वारा पूर्व से लगे को काम ना देने हुए मशीनों द्वारा काम कराए जाने के विरोध में 29 मई से रमरमा माइंस के सामने काम बंद हड़ताल की जा रही है। आज चौथे दिन भी मजदूरों ने हड़ताल पर रहकर माइंस प्रबंधन को नए ठेकेदारों को वापस करवाकर पूर्व की तरह मजदूरों से काम कराने की मांग की है। जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग व जिला कराटे संघ द्वारा स्थानीय मुलना स्टेडियम में 1 मई से 31 मई तक कराटे प्रशिक्षण के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका समापन बुधवार को देर शाम किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान फिटनेस टेस्ट व प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मई से 31 मई तक जो शिविर लगा उसमें जिन बच्चों का 20 दिन बाद में फिटनेस टेस्ट हुआ था उसका आज जिन बच्चों ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया था पुरस्कृत किया गया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया और हमारा उद्देश्य यही है खेलों को बढ़ाना। शहर मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कुम्हारी में गुरुवार को लोकेश लेल्हारे GST कमिश्नर के मार्गदर्शन में निःशुल्क स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर का आयोजन स्वर्गीय शांति बाई के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। इस दौरान करीब 1000 से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य जाँच करवाई, जिन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गईं। इस अवसर पर रक्तदाताओं द्वारा करीब 30 यूनिट रक्तदान किया गया। महिलाओं को देखा, बच्चियों को देखा, तो कुपोषण से ग्रसित है, तो हमने अपने डॉक्टर साथियों से निर्णय लिया कि एक ऐसा कार्य किया जाए माँ की स्मृति में जो इस क्षेत्र के विकास में वाहक बन सके, साथी बन सके। तो एक मेडिकल कैंप आयोजन की बात रखी गई, साथ ही साथ ये भी सोचा गया कि टेस्ट भी कराया जाए निःशुल्क और निःशुल्क दवाई वितरण भी कराया जाए। आज इस कैंप में कम से कम 50 से अधिक डॉक्टरों ने अपना निःशुल्क सेवा दी है, 100 से अधिक मेडिकल स्टाफ ने अपनी सेवा दी है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।